चलो चपाती भाई रेडी हो जाओ और लेट्स गो, अपनी रेस यहाँ पर शुरू हो चुकी है। गलत बात है, पहले निकल गया भाई। तो भाई मुझे गेम वालों ने खुद से आगे डाला है क्योंकि उनको पता है कि मैं बड़ा खतरनाक ड्राइवर हूँ यहाँ पे। और लेट्स गो, गेम वालों ने तेरे को आगे डाल के रखा हुआ है क्योंकि उनको पता है कि इसको आगे जाने का मौका बात नहीं मिलने वाला, तो भी आगे भेज दिया उन लोगों ने। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि मेगा रैंप में पिरो तो मैं ही हूँ, देखा आप आते ही नीचे गिर गए। तू मनुष है, तू पिरो नहीं है भाई, तू मनुष है, जब भी मुंह खोलता है मैं नीचे गिर जाता हूँ। अरे भाई मैं पिरो हूँ, ये सारी भाई मेरी फिरारी की ताकत है, देख रहे हो कैसे जा रही है। वैसे भाई मैं पहले ऐसी फिरारी देख रहा हूँ जिसके पीछे मोटे मोटे अक्षरों में ओसलॉट लिखा हुआ है। ओसलॉट माइनक्राफ्ट के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर कहाँ GTA 5 के अंदर घूम रहे हो? अरे फटने वाली फुटबॉल क्यों देख रखी है भाई मेरे को इन लोगों ने। अरे भाई ओसलॉट का मतलब ये कि आज ये गाड़ी ओसलॉट की तरह भागेगी यहाँ पे। ओसलॉट भागता नहीं है, पानी के अंदर मरा होता है यहाँ पे माइनक्राफ्ट के अंदर, तेरे को पता भी है। नूबड़ को माइनक्राफ्ट खेलनी भी नहीं आती भाई, आपको माइनक्राफ्ट में पता ना भाई, जैसे आप ओसलॉट के पास जाते हो तो वो कैसे दुम दबा के भाग जाती है। मैं लिटरली गाड़ी रिवर्स में लेके आ रहा हूँ। तेरी भाई साहब रिवर्स में कौन मेगा रैंप लेकर जाता है भाई? गिर गया ब्रो, गलत बात है यार ये। मेरे पास तो अमेरिका के वाला झंडे वाला जहाज आ चुका है। अमेरिकी जहाज कहाँ से लेके? तेरे को पता है कि उन लोगों को पता है कि गेम के अंदर जो है ये सिर्फ ये चोमू वाला जहाज जो है नकली दिखने वाले। देख अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये जहाज लिटरली कागज का बना हुआ है। ए रहने दो भाई, कागज का वो ये क्या हो रहा है? वो क्या हो रहा है? मैंने कौन सा बटन दबा दिया? नीचे न्यूक मेरे तैयार हो चुके हैं। ओहो अगर मेरे ऊपर गिरा दी ना तूने तो लेने के देने तेरी। तेरी देखा भाई मैंने क्या लैंडिंग मारी, और वाकई ऐसा कंट्रोल हो रहा है जैसे वाकई ये कागज का बना हो, लेकिन नहीं बना। नीचे गिर गया ब्रो, तू जब भी मुंह खोल रहा है मैं नीचे गिर रहा हूं खाई के अंदर। अभी मैं पीछे से आ रहा हूं और लेट्स गो, आपके ऊपर से मैं जाऊंगा वो भी लैम्बोर्गिनी यूरस लेके। भाई गलत बात है यार, देखा ड्रो लैम्बोर्गिनी वर्सेस बुगाटी हो चुकी है, और ये कैसे आप लेकर जा रहे हो गाड़ी नूबड़ों की तरह? ओ क्या स्टाइल आपने मारा और उस बुगाटी में एक चीज लगी हुई है। पता ना कि मेरे पास क्या है? मेरे पास लैम्बोर्गिनी है भाई, लैम्बोर्गिनी होगी घर में होगी, मेरे पास बुगाटी है, उसके अंदर लगा हुआ टर्बो। नो 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 भाई, आपने जैसे ही बोला मेरी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बच गया भाई, अभी मैं फिर से नीचे गिरने वाला था। चपाती भाई, भाई मैं आपको बताता हूँ कि इस रेस की ये है कि एकदम आराम आराम से जाना है भाई। आराम से काम हमने नहीं किया भाई, ऐसे आराम वाले काम कर लिए तो दुनिया आगे निकल जाएगी। रहने दो भाई, हमें पहाड़ के काम करने होते हैं। आराम आराम से मैं आराम आराम से कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं आपसे आगे हूँ। दुनिया की क्या बात कर रहे हो भाई, मैं तो आपसे आगे आ चुका हूँ। सच नहीं बोलने का, ठीक है? आराम से काम नहीं करने का, एकदम से पार देने। और मेरे पास एक जंगी जहाज आ चुका, जंगी जहाज ये देख, ऑरेंज कलर का जहाज है। अच्छा आपको अमेरिका वाला जहाज नहीं मिला क्या? अरे मैं छोटे काम करता ही नहीं हूँ भाई। मैंने ट्रम्प को फोन किया, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को दो जहाज दे दे। अच्छा तो उसने मेरे को बोला हाँ भाई। एक मिनट भाई, मैं पहले यहाँ पर न्यूक निकालता हूँ भाई। न्यूक वी कैन गिव यू द प्लेन। ये कौन से सर जी यहाँ पर खड़े हैं? ये देखो यहाँ पर तो ऊपर पार्टियां चल रही हैं। एक मिनट मैं इनको यहाँ पर पिकअप कर लेता हूँ। आइए आइए आइए, देखो अपनी मिलिट्री भी यहाँ पर बैठी हुई है, अमेरिके वाली। अमेरिकन मिलिट्री भाई, पकड़ लो उसको। वो फोटो ले रहा है मेरी, तेरी फोटो ले रहा है मेरी। मैं भी आ रहा हूँ, पार्टी करते हैं यहाँ पर, रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। ये देखो भाई यहाँ पर भी पार्टी चल रही है, यहाँ पर दो दो वॉर चल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या कर रहे हो चपाती भाई, क्या ठोकी आपने मेरे अंदर गाड़ी? ले अभी गाइस अपने पास भी आ चुकी है लैम्बोर्गिनी, और वो पता लगा कि हमारी लैम्बोर्गिनी टायरों को छोड़ के सारी जगह से चल रही है। सर से चल, वो कहाँ जा रहे हो चपाती भाई? गलत जा रहे हो, नीचे चले गए आप तो, घर में पहुंच गए सीधा। गलत बात है ब्रो। और भाई वैसे यार आपके पास तो लैम्बोर्गिनी आ चुकी है, अगर मैं अपनी गाड़ी की तरफ देखूं तो मुझे वाकई पता ही नहीं है कि ये कौन सी गाड़ी है यहाँ पे। लेकिन टायर के बारे में बात करें तो टायर लिटरली गाड़ी से बड़े हैं यहाँ पे। ये पागल बंदे को देख रहे हो गाइस, जिसके पास जब बोलने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो टायरों के बारे में बात कर। टायरों के बारे में कौन बात करता है यार? भाई इस गाड़ी के अंदर तो सनरूफ भी है चपाती, आपकी लैम्बोर्गिनी के अंदर सनरूफ है क्या? तेरे को बताता हूँ, मेरे लैम्बोर्गिनी के अंदर जो स्पीड है ना, वो तेरी गाड़ी के अंदर कभी नहीं होगी। वो तो मैं देख रहा हूँ भाई, आप कितनी स्पीड से नीचे गिर गए, बच गया सीधा लॉस सैंटोस की वासी के अंदर। कमन आ रहे हो क्या? चपाती भाई के पास कुछ बोलने का नहीं होता है ना, तो ऐसे ही चिल्लाते हैं वो। बड़े बंदे मेरा डायलॉग मेरे पर मत मार तू। एक मिनट अभी मैं आपके अंदर गाड़ी पहले ठोकता हूँ, आ रहा हूँ मैं। टायरों के अंदर से आ रहा है, नॉट अ गुड आइडिया भाई, ऐसे मुझे फिर से जार नहीं चलाना है। काम करते हैं,
मैं यहाँ पर नंबर वन तो हूँ, तो फिलहाल मुझे इसी पर ध्यान देना है और एकदम आराम आराम से मुझे फिर से जाना है ऊपर। टायरों के अंदर से यार, इतना बड़ा आसमान छोड़ के टायरों के अंदर से घुस के आ रहा है। एक मिनट, अभी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और ये लो, बच गए भाई। ये कैसा खतरनाक जा रहा है यार, इसको कंट्रोल करना वाकई बहुत ज्यादा हार्ड है भाई। इसको कंट्रोल करने के लिए तेरे को लोहे के हाथ चाहिए थानोस के। भाई मैं हल्का सा बटन दबा तो पूरा जार नीचे हो जाता है। जहाज को हल्के में ले रहा है अब तू। एक मिनट भाई, अभी मैं फुटबॉल खेलते खेलते यहाँ पर आऊंगा। जहाज को हल्के में ले रहा भाई। जहाज को सिर्फ एक ही बंदा हल्के में ले सकता है और वो है हल्क। हल्का बंदा लेगा हल्के में। ओके, क्या कर रहे तू भाई? अब की बारी तो मेरे पास डिलीवरी वैन आ चुका है यार। ये मैंने पहली बार यहाँ पर गाड़ी ठोकी भाई। मैं फिलहाल बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा था। अच्छा, हल्के में बढ़ने वो, हल्के में बढ़ने वाले भाई। ये गाड़ी कुछ ज्यादा भारी है यार ये वाली। ओके, तू कौन से उठा कर लेके जा रहा पागल बंदे? रुक जा, मैं अभी आ रहा हूं तेरे पीछे ही हूं। वॉट, मेरे पीछे कैसे आ चुके हो यार? मुझे लगा मुझसे आगे हो यहाँ। यार मेरी गाड़ी इतनी फास्ट। अभी गाइस, मैंने यहाँ पे कंट्रोल छोड़ दिया। मैंने आपको बोला तो था, मैं लिटरली यहाँ पर W दबा ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ S यहाँ पर दबा रहा हूँ। नीचे करके फिर भी गाड़ी खुद पर खुद आगे जा रही है। मेरी गाड़ी तो खुद से आगे जा रही है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे। गलत बात है यार, गलत बात है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। मेरी गाड़ी कितनी आराम आराम से यहाँ पर जा रही है। okay, एकदम ऐसे व्यू को एंजॉय करते करते मैं नीचे जा रहा हूँ। वो देखो सामने अपना लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट बना हुआ है। अगर मैं सामने डिस्टेंस में देखूँ तो मुझे वाइस सिटी भी दिख रही है यहाँ से। भाई अगर तेरे को वाइस सिटी दिख रही है ना, इसका तो गाइस एक ही मतलब है कि तेरी आगे खराब हो चुकी है। कैसे भाई यहाँ पे वाइस सिटी कैसे? अरे मेरे को तो ताजमहल दिख रहा है। ओ भाई साहब, अरे भाई अगर आप इमेजिनेशन यूज करो तो आपको सारे यहाँ पर शहर दिखेंगे यहाँ पे। मेरे को तो GTA 6 दिख रही है। ये देखो भाई, अब की बारी मैं टायरों के अंदर से आऊंगा। कहाँ से आ रहा है तेरी? भाई मैं बड़ी स्पीड में जा रहा हूँ टायरों के अंदर, तो यहाँ पर जांच कंट्रोल करना कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो चुका है भाई। तो नहीं कर सकता टायरों के अंदर। अरे मैं आ गया, ये देखो भाई एकदम इजी मेरे लिए। भाई साहब लेट्स गो। अरे मिलिट्री वाले बंदे देख रहे तुम लोगों की किसकी कारामात? ये देखो तेरी मजा आया। क्या कर रहा है भाई साहब? अपने यार मेरी अंदर गाड़ी ठोक दी। No shit, जहाज ने ठोका मेरे अंदर। ये कौन सा डब्बा मेरे पास आ चुका है यार? मैंने नोटिस किया आजकल ये GTA वाले भी सिर्फ यहाँ पर ये डब्बे रिलीज कर रहे हैं गेम के अंदर। असली कंटेंट इन लोगों ने बचा कर रखा हुआ GTA 6 के लिए। खंबा कहाँ से आ गया भाई? तूने मिसाइल मार दी डब्बे के अंदर से। अरे नहीं है भाई, डब्बा भाई डब्बे के अंदर से मिसाइल कोई भी नहीं निकल रही है। सामने इन्होंने खंबा लगा के रखा हुआ है। अरे यार मुझसे गाड़ी कंट्रोल में नहीं हो रही भाई। अरे जब आती भाई आराम आराम से आओ ना भाई, तो बहुत ज्यादा बोल रहे थे। मेरी लैम्बोर्गिनी के अंदर तो स्पीड है भाई। ये भाई कसम से मैं बता रहा हूँ यार, लेजिट भाई हल्का सा बटन दबा तो यहाँ वहाँ भाग जाती है। मैं आपको देख रहा हूँ पीछे, हर एक जगह जा रही है सीधा छोड़ के। ये देखो भाई, मैं आपको देखते देखते नीचे गाड़ी लेकर जा रहा हूँ। तू नीचे ही जाएगा फिर तो? अरे नहीं, ये देखो भाई मैं कैसे जा रहा हूँ। चपाती आप कहते रिवर्स में आ रहे हो। मेरे को लगा कि सीधी उंगली से घी निकल रहा नहीं है, हम अभी उंगली टेढ़ी करके आते हैं। ये कितना लंबा रैंप है, अभी तक मैं जा रहा हूँ, मैं सामने देख भी नहीं रहा हूँ भाई। लेजिट मैंने गाड़ी रिवर्स में ले जाई, एक बार भी नहीं ढुकी। मैं सीधे लेके आ रहा था, ढुक रही थी बार बार। मैं पहुंच गया भाई यहाँ पे। मैं पीछे ऐसे देखते देखते मैं सामने पहुंच गया। ये है लैम्बोर्गिनी के जो है बेकार काम। ठीक है, मैं रिवर्स में लेके आया तो चल पड़ी, पहुंच गई, और जब मैं सीधे लेके आ रहा था तो नहीं पहुंची। व्हाट इज दिस ब्रो? इसका मतलब ये है कि आपके सिर्फ उल्टे ही काम यहाँ पर चलते हैं भाई, आप सिर्फ उल्टे ही काम यहाँ पर करते हो। ये दुनिया उल्टे कामों पर चलती है भाई। ये रहने दो भाई, रहने दो। और अभी मुझे यहाँ से उठानी है अपनी अगली गाड़ी। अब की बारी तो मेरे पास रॉकेट वाली गाड़ी आ चुकी है। इसका मतलब तो चपाती भी आपको पता ही होगा, आगे से स्पीड से गाड़ी का नाक ऊंचा करके मैंने सीधा नीचे पहुंच देना है। और सीधा जहाज के अंदर ठोकियो तो देखियो, बस मेरी मिसाइल रेडी है, तो एक बार देख लिया। लेट्स गो। ऐसे मुझे अभी गाड़ी का नाक ऐसे ऊपर करना है और ऐसे मैंने बूस्ट चला दिया। कहाँ जा रहे हो? और नो नो, मैं तो टायरों के ऊपर आ गया, ये तो प्लान में था ही नहीं। अरे यार मैं नीचे गिर गया आई थिंक। कभी टायरों के अंदर से जहाज लेके जा रहा है, कभी टायरों के ऊपर से गाड़ियां लेके जा रहा है। ये बंदा पागल हो चुका है भाई। एक काम करते हैं, अब की बारी मैं ऐसे रैंप के ऊपर बूस्ट चला के जाऊंगा। आई थिंक ये ज्यादा इफिशियंट वे ऐसे रहेगा। ओ तेरी अपितंत बे लाएगा। अरे जा तो रही है, ये देखो अभी तक मेरी गाड़ी जा रही है, नीचे नहीं गिरी है अभी तक। हाँ, इसको जाना नहीं बोलते, इसको बोलता है गिरना। अरे वो बात अलग है कि तू गिरते गिरते बच रहा है। और लेट्स गो, मैं पहुंच गया यहाँ पे, देखा बूस्ट के साथ मैं यहाँ पर पहुंच गया। ये गिरते गिरते पहुंच गया और मैं इंसानों की तरह गाड़ी लेके आ रहा हूँ, वो नहीं पहुंच रही। गलत बात है भाई ये तो। काम करो पैदल आ जाओ। ओ ये उतर सकता हूँ क्या मैं? रुक जा उतर के देखो तो। अच्छा उतर नहीं सकता मैं, हवा हवा के अंदर कैसे उड़ रहे हो भाई? रुक जा मैं नीचे आके उतरता हूँ, रुक जा। ये देख अमरीके जहाज लेके आ रहा, अभी आज जहाजों की रेस लगाते हैं। अब किधर हो यहाँ पे? तेरे पीछे हूँ। किधर हो भाई? मुझे तो दिख ही नहीं रहे हो यहाँ पे। मौत तेरे पीछे हो रही है, देख ला।
और हाँ दिख गए भाई, वो देखो सामने से आ रहे हो। कम ऑन, मैं तो यहाँ पर डब्ल्यू भी नहीं दबा रहा, किधर पहुंचे चपाती भाई? स्पीड आ रही है स्पीड। हेलो रहने दो भाई, मैं एक बार फिर से यहाँ पर ऊपर पहुंच चुका हूँ और यहाँ से उठाओ गाड़ी। और कौन सी गड्डी आने वाली है मेरे पास? ओ तेरी, मेरे पास तो ट्रेवल वाली कार आ चुकी है ओए चपाती भाई। इसका मतलब ये है कि अभी मैं जीतने वाला हूँ। क्या बकवास कर रहा है? अरे भाई सामने मुझे फिनिश लाइन दिख रही है और आपके पास कौन सी गाड़ी है भाई? आप तो बहुत ज्यादा पीछे हो, ये देखो आपके पीछे से मैं आ रहा हूँ। मैं तेरे को आगे जाने नहीं देना। रहने दो भाई, यहाँ पर कितना खुला रास्ता यहाँ पर बना हुआ है। निकल गया मेरे सामने से, निकल गया मैन। हाँ तो इसका मतलब ये है कि आज मैं ट्रेवर की गाड़ी यूज करके आज मैंने यहाँ पर मेगा रैम कम्प्लीट कर लिया। लेट्स गो भाई, तेरे पीछे मौत आ रही है भाई, मुझे रोक नहीं सकते, मुझे पता है आने से जा नहीं पाएगा भाई। मैं तो एकदम आराम आराम से यहाँ पर जाना है। मैं तो फुल स्पीड में आ रहा हूँ भाई, गाड़ियाँ बजा के आ रहा है। इससे पहले कि आप मेरे तक पहुंचे आप खुद नीचे गिर जाओगे। पहुंच चुका था बिल्कुल मैं। वो देखो सामने, मैं आपको देख रहा हूँ कैसे गिर के आ रहे हो आप। ए, सामने तो यहाँ पर यूएफओ बना हुआ है, मुझे यूएफओ के अंदर जाना है क्या? मज़ा तेरे को पकड़ लेंगे मज़ा। ए, चलो रहने दो भाई, वो फिनिश लाइन है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई यहाँ पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।